हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम एस्क्टोन एंड यू आर वाचिंग एसके व्लॉग। तो मैं आ गया था आज शाम को घर, और बस सभी घर पे ही हैं। आज अभी उठा था थोड़ी देर पहले, और आज पहली बार मैंने भी थोड़ी सी चाय पी। मैं चाय वैसे पीता तो नहीं हूँ, आज थोड़ी सी मन हो गया तो थोड़ी सी पी ली थी। और बाकी अभी आने वाली मशीन, चाचा जी की थोड़ी कुतर वगैरह करवानी थी, तो मैंने सोचा वो करवा देते हैं, बाद में स्नान करते हैं, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि मतलब वापस से मतलब खंख में वगैरह हो जाते हैं, तो वो करवाते हैं, बाद में हम करेंगे स्नान वगैरह। चलिए देखते हैं कब तक आती है मशीन, आएगी भी नहीं आएगी कुछ फिक्स नहीं है। वैसे बोल तो रहे थे क्योंकि मतलब हम घर आए हुए थे, तो आसानी से हो जाएगी, नहीं तो फिर आदमी बुलाने पड़ते हैं। देखते हैं, फिर स्नान वगैरह करेंगे, और पनीर बनेगा आज, अभी तो नहीं मतलब दोपहर को बनेगा पनीर। तो चलिए देख। तो गाइस, मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर दिए, बिकॉज मतलब गंदे हो जाते हैं, वो आने वाले हैं मतलब मशीन। ये देखिए मेरा आउटफिट कुछ ऐसा है, और अभी मम्मी धोएगी कपड़े, तो कपड़े इधर रख देते हैं, फिर पानी की बाल्टियाँ वगैरह भर देता हूँ। और चाचा जी उधर कर रहे हैं समतल भूमि, ताकि मतलब उधर मतलब जो कुतर होके आएगी वो सही रहेगी। दिखाता हूँ आपको भी, वहाँ पे होने वाली है कुतर। चाचा जी कुछ कुछ कर रहे हैं उधर, अभी हम तैयार हो जाते हैं, मैं थोड़ी बाल्टियाँ वगैरह भर देता हूँ, बाद में मिलते हैं आपसे। तो गाइस आ गई है गाड़ी, मतलब वो मशीन उधर खड़ी है पीछे। मैं फ़ोन चार्ज लगा लेता हूँ, क्योंकि मतलब लाइट अभी आई है और फिर चली जाएगी, क्योंकि दिन भर रहती नहीं है यहाँ पर, दिक्कत हो जाती है। तो चलिए फ़ोन चार्ज लगा लेते हैं, और अभी कुतर वगैरह करते हैं, बाद में स्नान करेंगे, फिर खाना खाएंगे। पहले देखते हैं, पहले फ़ोन चार्ज करना ज़रूरी है ना। चलो गाइस, उस टाइम तो हो गया था मतलब कुतर वगैरह उधर, वो देखो मतलब इतना सारा आ गया है, कुतर तो हो गई थी उस टाइम, और अभी मतलब अभी तक स्नान नहीं कर पाया, बिकॉज थोड़ी देर तो पहले मतलब पसीना था तो स्नान कर नहीं सकते थे, और अभी करने वाला था कि कपिल घुस गया। अब कपिल पता नहीं क्या कर रहा है अंदर, अभी काफ़ी टाइम हो गया, और 11:30 हो रहे हैं, पहली बार इतने लेट कर रहा हूँ स्नान, बहुत ख़राब लग रहा है यार, पूरे मतलब ये जो कंपी होती है ना इसकी, वो खा रही है, मतलब बहुत ख़राब हो रहा है भाई। इसको क्या हो गया, ये क्या कूद रही है भाई, क्या हो गया। तो गाइस फाइनली मैंने स्नान कर लिया है, और अभी मतलब अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब पूरी तरह से ख़राब हो रखा था, तो ठीक है, पंख वगैरह भी उतर गई, और बाहर चक्की ज़्यादा है तो मतलब बहुत आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड में। चलिए बाहर का दिखा दिया आपको क्या हो रहा है। ये देखो इधर मटर और कांदे छीले जा रहे हैं, और अभी पनीर बनाएंगे थोड़ी देर बाद। कपिल ने भी स्नान कर लिया थोड़ी देर पहले, मेरे से थोड़ा पहले किया, और अभी देखते हैं थोड़ी देर। इधर है चक्की जो चल रही है, मम्मी आटा पीस रही है हमारे, ये ज़्यादा तीखा है, और ये अंदर चल रही है। तो गाइस अंदर तो बन रहा है वो क्या कहते हैं पनीर, और मैं सुरेंद्र के थोड़ा पता नहीं क्या हो गया है, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, जहाँ चपट कहते हैं हमारे इधर, हमें नहीं पता आपके मतलब क्या कहते होंगे, बट मतलब उसके लिए मतलब जो होता है ना चींटियों का घर, उसके ऊपर से मतलब रेता है, मतलब ऊपर से ऐसे ऐसे फेरा जाता है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो उससे मतलब थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, पता नहीं होता तो क्या, मुझे नहीं पता, बट रियल टीम फ़र्क तो होता है ये बात। इधर देखते हैं, इधर है एक, ये रहा चींटियों का घर नगरा। तो गाइस अभी बन गया था, और इतना सा रहा क्योंकि मैंने खा लिया, कपिल ने भी खा लिया, पापा ने भी खा ली, खाना पक चुका था और हमने खा भी लिया है। इधर बैठे हैं, सुरेंद्र थोड़ा बीमार है आज, इसलिए बाहर खड़ा बैठा है। तो गाइस अभी हो रहे हैं तैयार, और ये आटा भी लेना है हमें, हम जा रहे हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं। सुरेंद्र तो क्या कहते हैं वो बीमार दिमार पड़ा है, हम जा रहे हैं। पहले कपिल इतने उतनी दूर ले आया था, और उसकी भी मतलब मदद कर ली थी मतलब हवा ने, मेरी मतलब बहन है छोटी बहन, वो साइकिल सीख रही थी, तो उसने उतने दूर तक तो पहुंचा दिया था, और आगे एक और मिल गया था, वो जा रहा आटा आगे, हम पीछे पीछे चल रहे हैं,
और पापा बहुत पीछे रह गए। चलिए हम दौड़ते हैं क्योंकि वहाँ पर मतलब कुत्ते वगैरह भी तो है, तो हम जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ पर। आज बाहर कम हो गया, ये अच्छा रहा है। तो गाइस उस टाइम आ गए थे और फिर काफ़ी टाइम मतलब ऐसे ही बैठे रहे और पढ़ते रहे, और फिर अभी खाना वगैरह खा लिया हमने, जस्ट अभी जस्ट खाया है, बर्तन वगैरह धो दिए। पापा अंदर पढ़ रहे हैं, कपिल भी अपना बिस्तर लगा रहा है, मैंने भी बिस्तर लगा लिया है। तो अभी मैं सोने वाला हूँ एडिटिंग वगैरह करके। और आज का दिन बहुत ही मस्त था और मतलब काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मतलब घर से आए हैं मतलब, है ना। तो आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट, गुड बाय।